नमस्कार, अभी न्यूज में सभी का स्वागत है। यह है नेशनल टॉप 10 खबरें। जनपद बांदा के एक खेत में स्थित तालाब में मिला एक युवक का शव। युवक रात 8 बजे घर से निकला था। घर से निकलने के बाद युवक का फोन बंद आ रहा था और सुबह उसका शव मिला। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। छतरपुर के बड़ा मल्हार में 7वीं की छात्रा की फांसी लगने से हुई मौत। घटना के वक्त बच्ची घर में अकेली थी। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। राजगढ़ के खिलचीपुर मंडी रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते युवक को एक व्यक्ति ने चाकू मारकर घायल कर दिया और हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं राहगीरों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के किए दर्शन और बाबा की भस्म आरती में भी रहे मौजूद। वहीं मंदिर के पुजारी ने विराट अनुष्का से बाबा की पूजा अर्चना भी करवाई। थाना टंडरा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने लूट की मंशा से घर में घुसकर बंदूक की नोक पर पशु चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। शोर शराबा मचाने के बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं बदमाशों द्वारा ग्रामीणों पर फायरिंग भी की गई। लखीमपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। मात्र 24 घंटे में विभिन्न थानों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 695 लीटर अवैध शराब बरामद की है और 44 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आगामी होली के त्योहार को लेकर फिरोजाबाद नगर निगम हुआ अलर्ट। नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को साफ सफाई, जल भराव समेत तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। होटल के एक होटल में 1.5 माह पूर्व हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों ही युवकों ने होटल में कमरा न मिलने पर तोड़फोड़ और फायरिंग भी की थी। जनपद संभल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। खूब चले लाठी डंडे व दबंगों ने झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। छतरपुर में नकली किन्नर बन ग्रामीणों से अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की शिकायत पुलिस से की है। असली किन्नर जब गांव में बधाई गाने गए तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तो ये थी आज की नेशनल टॉप 10 खबरें। बने रहिए अभी न्यूज के साथ। शिरादा माधव टीवीएस शोरूम जो लाया है आपके लिए ब्रजवासियों के लिए एक बेहतरीन मौका गिफ्ट पाने का। जी हाँ, करवा चौथ के उपलक्ष्य में अपने गृह लक्ष्मी को दें एक निश्चित उपहार। 2100 तक का नगद डिस्काउंट। लाए अपना आधार कार्ड और ले जाए अपना वाहन और दे अपनी गृह लक्ष्मी को। शिरादा माधव टीवीएस शोरूम, राधिका विहार, सौंख रोड, मथुरा।